बाबा सिद्दीकी का कोई इनका इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ। और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है, किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने लड़के खड़े थे वहां पर, उनके सामने घटना हुई है। अब किसके भेजने, किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनका इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ। और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा तअल्लुकात बाबा सिद्दीकी से, अब इसमें क्या क्या चीज है, कैसे हुआ। नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है, किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया, और एक साल पे आके फिर उस एरिया में घूम रहे वो आदमी। इस तरह अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन के इसी तरह से इंक्वायरी होगी, काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। एनसीपी के नेताओं के साथ दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी हाँ। के नेता को उनकी भी हत्या कर दी। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल है, ये तो एक तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। न कोई बिजनेस की लड़ाई है, अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई सामने आएगी। बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, अब आप नहीं मालूम, देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी वायरल होता था, अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत? नहीं, जिशान इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। हाँ। सब जो मतलब इसमें एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो आप? हाँ, नहीं रहे तो हम कह रहे हैं, उनका इंतकाल, उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना, बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी तरफ उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या के लोग? ये घटना यहाँ हुई ना, इस बेंटा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनके सामने घटना हुई है ये। देखिए, आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देकर पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार देगा, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है, और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया। नहीं, देखिए, अभी नहीं मालूम, नहीं अभी तक, अभी इंक्वायरी, दो लोग पकड़े, इंक्वायरी सामने आएगी। लेकिन बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल कोई लड़ाई नहीं, उसकी बिजनेस की कोई दुश्मनी नहीं है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट किलर बोले जाते हैं, अब ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या मैटर है। नहीं मालूम, अब कैसे कह सकते हैं, अभी पुलिस बताएगी। डोंट मिस आउट, लॉग ऑन टू 1india.com फॉर मोर अपडेट्स।